अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। टुडे इज़ ओवर 19th लेक्चर ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर। एंड इन दिस लेक्चर, इन लास्ट टू लेक्चर्स, दीज आर द टू लास्ट वीक और लास्ट वीक एंड जस्ट टू लेक्चर्स आर लेफ्ट, 19 एंड 20। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन अभी हम क्वालिटेटिव जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और थोड़ी सी आपके कोर्स से रिलेटेड जो मैंने एक पेपर निकाला है इस पेपर को गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ यूजबिलिटी हैं सिस्टम इंटीग्रेशन में और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो अब ये आपके दो ही लेक्चर्स रह गए हैं, ये लास्ट भी रिसर्च पेपर्स, ये आप इनको गो थ्रू करेंगे तो ये रिसर्च पेपर्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी डिग्री में भी इन्वॉल्वमेंट होगी और आगे आपकी रिसर्च के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे इसके लिए, क्लियर। सो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अच्छे से पढ़ें भी और इनको गो थ्रू करें और इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो, क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कि हम मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्वालिटेटिव स्टडी, किस तरह हमने क्वालिटेटिव, हमने अपने सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर के कोर्स में अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर करते थे, उसमें क्वालिटी वाइज अपनी क्वालिटी अश्योरेंस को देखते थे सिस्टम वगैरह, इस तरह उसी की बेस को लेकर कि मैंने पेपर जो है उसको सेलेक्ट किया है कि हमने क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, क्वालिटी वाइज नॉट अ क्वांटिटी वाइज। आप क्वालिटी वाइज एक पेज भी पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है, जबकि अगर क्वांटिटी को देखें तो आप 10 पेजेस पढ़ें लेकिन आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग या उसमें क्वालिटी चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन की कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मीनवाइल यही सेम एज लाइक यही हमारी इस जो हमने कोर्स पढ़ा है उसका भी यही मकसद था, क्लियर। सो टीचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, तो इस वजह से मैंने ये पेपर सेलेक्ट किया है। सो ये आर्टिकल जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का था, जो जनवरी 2016 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिसमें नुमान असलम इसके ऑथर थे, जो दो, ठीक है, और इसकी डिफरेंट टू साइटेशन वगैरह थी, ये इसके रिसर्च पेपर की जो रैंकिंग वगैरह है उसकी चीज़ें वगैरह के कहाँ पे इसकी जो हुआ है, इसकी साइटेशन कहाँ कहाँ हुई है, इसको रीड किस कितने पर्सन ने किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ कब पब्लिश हुआ था, किस जर्नल में पब्लिश हुआ था, ये इसकी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ द मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कि इस एक्चुअली पेपर में बताना क्या जा रहा है जो ऑथर है। प्रोग्रामिंग इज़ अ फंडामेंटल कोर्स डेट इज़ टॉट एवरी कंप्यूटर साइंस या आईटी स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर इनिशियल सेमेस्टर। ऑब्वियसली जब आपके इनिशियल सेमेस्टर थे, नाउ यू आर इन द सिक्स्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने आईटीसी पढ़ी होगी, फिर आपने पीएफ पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, एंड देन फिर ऊ पढ़ी होगी, फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या उसके बाद एल्गोरिदम का कोर्स, ये सारे कोर्सेज ऑब्वियसली आप पढ़ के आ रहे हैं। सो दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा इस इन चीज़ों का। बेसिक से आपको स्टार्ट करवाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके फंडामेंटल्स और हाई लेवल की तरफ हम जाते हैं, लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ जाते हैं। कुछ लोअर लेवल लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें कुछ हायर लेवल, लोअर लेवल लैंग्वेजेज आई थिंक हार्डवेयर की आपने नहीं पढ़ी होंगी, बिकॉज आईटी में हार्डवेयर के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। द कोर्स इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू बेसिक ऑपरेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ऑब्वियसली ये डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो आपको बेसिक्स, डिफरेंट ऑपरेशंस के कंप्यूटर के परफॉर्म किस तरह होते हैं, उसके आर्किटेक्चर्स के बारे में बताते हैं, एंड ऑल्सो पॉलिशेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। सबसे मेन चीज़ जो आपके इस फील्ड में है डेट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिसे हम इन द अदर वर्ड्स प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग, एक होता है प्रोग्रामर और एक होता है कोडर, ठीक है, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। कोडर जो है वो कोडिंग करता है, ठीक है, कोड करना होता है, उसने कोड कर देना होता है,
उसके लिए उसको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो बस एक कोर्स करे, शॉर्ट कोर्स करे, कोडिंग करना स्टार्ट कर दे। प्रोग्रामर जो होता है उसने प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है, उसने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है कि हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करें। ये होती है प्रोग्रामिंग, कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम को उसकी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, डैट इज़ द प्रोग्रामिंग एंड डैट इज़ द मेन स्किल्स ऑफ योर डिग्री। ठीक है, बिसाइड दीज एडवांटेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सर्व एज अ फंडामेंटल टूल फॉर एनालाइजिंग स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट द स्टूडेंट्स आर टॉट इन लेटेस्ट मैच ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट जैसे बैचलर में है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ाने का मकसद है कि आप एनालाइज करना सीखें, किस तरह प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, ठीक है, फिर उसको स्टडी किस तरह करना है, फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। एक आपको देन आपने वर्ड प्रॉब्लम देखी होंगी, बहुत सारे बच्चों का मैथ बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको वर्ड प्रॉब्लम बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं अच्छी होती। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि 2+2 का सोल्यूशन बताएं तो आप फौरन कह देंगे 4, लेकिन अगर यही 2+2 को मैं अगर 10 इंग्लिश के स्टेटमेंट में इसमें लिख के कहूँ, आपको वो पढ़ना गवारा नहीं होगा क्योंकि आपकी एनालाइजिंग नहीं अच्छी, सेकेंड आपकी स्टडिंग नहीं अच्छी, थर्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छी। तो इन कोर्सेज को पढ़ाने का मकसद ये होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम को अगर किसी डिफ़िकल्ट वे में भी बताया गया हो, उसमें भी आपको एनालाइज करना आना चाहिए, स्टडी करना आना चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप आगे जाके जब एडवांस कोर्सेज जैसे वेट है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसके अलावा डिफरेंट दूसरे कोर्सेज पढ़ते हैं जो एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें आपकी जैसे जावा वगैरह आगे मैजेंटो वगैरह पे आप जॉब करते हैं, ये डिफरेंट जॉब ही हैं, ROR पे जॉब्स करते हैं, तो उन जो एडवांस कॉन्सेप्ट है ना उनकी बेसिक्स ये क्लियर होंगी तो आप उनको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर आगे वो कह रहा है कि देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर टीचिंग टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली के सिलेक्टिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर देयर हैव बीन न्यूमरस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व हो रही हैं जिसमें कोबोल है, फोरटान है, एल्गोल है, मिरांडा है, NDTC, एबिरोन, एडा एंड जावा ETC। ठीक है, जब मैंने बैचलर किया था तब C++ को उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया था। ठीक है, सबसे पहले हमें C++ पढ़ा, अब तो मेरा ख्याल है कि जावा वगैरह को या C# वगैरह को लेकर चलते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम सम दीज लैंग्वेज हैव लॉस्ट प्रोमिनेंस वाइल सर्व न्यू लैंग्वेजेस हैव इमर्ज। अब बहुत सारी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मर्ज हो गई हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्वमेंट हुई है, रिफॉर्मेशन हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो कह रहे हैं देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर टीचिंग हैज़ ऑलवेज रिमाइंड फॉर एन इम्पोर्टेंट रिसर्च क्वेश्चन फॉर एकमेडिशन, कि टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना, इनको एनालाइज करना, इनका कंपैरेटिव करना बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इन दिस पेपर, अब वो कह रहे हैं कि इस पेपर में पहले तो उसने बताई सारी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक तमहीद बांधी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों ज़रूरी हैं, क्या होती हैं और किस लिए पढ़ाई जाती हैं सारी। अब वो कह रहे हैं कि इन दिस पेपर अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज परफॉर्म, कि पुराने ज़माने की जो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उनको कंपेयर करना है अब की जो लैंग्वेज परफॉर्मेंस में है। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ करंट करिकुलम एंड मार्केट डिमांड वी हैव सिलेक्टेड C++, C#, जावा, पास्कल, GW Basic एंड जावास्क्रिप्ट फॉर कंपेयरिंग। अब वो कह रहे हैं कि सारी एग्जामिनेशन करके, सारी एनालाइज करके, मार्केट की डिमांड से उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट की हैं कंपैरिजन के लिए उसमें सी है, C++ है, जावा है, C# है, पास्कल, GW Basics है और जावास्क्रिप्ट है, इनको कंपैरिजन करना। ठीक है, ये इस पेपर में काम किया हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू डिटरमिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेजेस शुड बी टॉट टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एन इंट्रोडक्टरी लेवल। वो कह रहे हैं कि हमारी इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है, मकसद ये है कि हमें ये डिस्क्राइब करना है, ये देखना है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव जो है, हम जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, जो इसको शुद्ध वो कर रहे हैं, हमें कौन कौन सी इंट्रोडक्टरी लेवल जैसे स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट सेकंड, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए बच्चों को, जो उनको आगे लेके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। द पेपर एनालाइजेज द सिलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि जो पेपर है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी एनालाइज कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे भी, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड किया, डिफरेंट रिकमेंडेशन जो उसकी दी हुई हैं, सिलेक्ट जो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस पेपर का क्या मकसद है, इस पेपर का मेन मकसद ये है कि उन्होंने कुछ लैंग्वेजेस कंटेम्प्रेरी यानी ओल्ड और कुछ अब वाली उनको सिलेक्ट किया है कुछ लैंग्वेजेस, और उनको कंपैरिजन किया है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज सी लैंग्वेज पढ़ाती हैं, कुछ लॉन्ग यूनिवर्सिटीज सी प्लस प्लस इंट्रोडक्टरी लेवल पे, कुछ सी शार्प पढ़ाती हैं, कुछ जावा को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, कुछ GW बेसिक्स पे। तो वो कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि कौन सी इनमें से लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग और मार्केट के लिहाज से, कि हमें बच्चों को एज ए इंट्रोडक्टरी पढ़ाना चाहिए। जैसे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आता है, तो हमें कौन सी लैंग्वेज पे इनको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए ताकि वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, अब हम सब छोड़ के पहले कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, फिर हम सारा पेपर पढ़ेंगे। In this paper, an analysis of major programming language of computer science is done. वो कह रहे हैं कि जो major हमारी programming languages थी उन पर analyze किया गया है। The paper compared the selected language, obviously कुछ selected unlimited languages पे तो research नहीं हो सकती थी, कुछ selected language पे उन्होंने comparison किया है, उन्हें different factors, कुछ factors पे such as the reliability, writability, support, market demand and coverage, कि उनकी किस तरह रीडेबिलिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग, उनकी राइटेबिलिटी, उनकी राइटिंग, प्रोग्रामिंग लिखना, उनको सपोर्ट और उनकी मार्केट डिमांड के लिहाज से जो सारी कवर की है उन्होंने। तो इट हैज़ बीन कंक्लूडेड जावा इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू बी यूज फॉर टीचिंग, कि जावा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक जो अच्छी लैंग्वेज है, जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी स्टूडेंट जो हमारे न्यू सेमेस्टर्स में आ रहे हैं उनको पढ़ाने जानी चाहिए, उनको ये ज़रूरी आनी चाहिए, उनको हमें इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्लियर। तो अब हम पूरा पेपर देखते हैं कि इस पेपर में वो क्या डिस्कस कर रहा है। इंट्रोडक्शन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी टॉट टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज रेज ऑफन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इट हैज़ बीन फाउंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ हाईएस्ट ड्रॉप रेट अकॉर्डिंग टू द वेरियस स्टडी। स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम इन comprehending that what happening in memory, instruction cycle and overall picture of execution program। ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंस जाते हैं, कुछ कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कुछ कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उनको उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में, उनको इनिशलाइज करवाने में डिफरेंट लैंग्वेज में, ओके, सबका अपना एक मेथड होता है, वो एक उसमें एक चीज़ में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट की हैं और उन पर कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन करके उन्होंने बताया है कि एनालाइज मार्केट के लिहाज से, ठीक है, कि कौन सी स्टडी के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, एनालाइजिंग के लिहाज से सबसे जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो कौन सी, ठीक है। सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू है, इससे पहले जो स्टडी की थी वो हम देख लेते हैं किस किसने क्या स्टडी की थी उस पर। वो कह रहे हैं कि इन लिटरेचर सेवरल स्टडीज हैव बीन रिपोर्टेड दैट डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द इशू इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर टीच। वो कह रहे हैं कि टीचिंग के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मेरिट्स भी आती हैं, कुछ डिसमेरिट्स भी आती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि हमने ये पढ़ाने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है हमने ये पढ़ाने। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं इसकी, इसको देखते हुए हमने अपना रिसर्च को लेके चलना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब
एक साइंटिस्ट है जिसने ओपिनियन दी कि व्हाट टॉपिक्स शुड बी टॉट इन प्रोग्रामिंग कोर्स, को प्रोग्रामिंग कोर्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए, ठीक है। एक ने उसने एनालाइज किया, जैसे मिलने एंड रॉवी ने एनालाइज किया व्हाट आर द टॉपिक्स इन इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स डिफिकल्ट टू बी कम्प्रीहेंडेड बाई अंडर ग्रेड, के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, उनको कैसे टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके, उनकी प्रोग्रामिंग जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर जावा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर टीचिंग प्रोग्रामिंग, कि जावा जो है सबसे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है टीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसमें इंटीग्रेशन, सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी जो टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो जाती है। इन वेरियस स्टडीज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन एनालाइज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स फॉर नोविस प्रोग्रामिंग। अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस ऑफ बिगिनर्स हैज बीन प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चॉइस हैं, ज़रूरी नहीं है कि जावा, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, बहुत सारी हैं, तो उनमें से हमने इनको देखना है कि इस स्टडी में इसकी स्पेशलाइजेशन जो टूल हैं, उनके डेवलपिंग टूल्स हैं, वो सारे कौन से अफेक्टिव हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलेंस ऑफ मोबाइल गैजेट्स डिमांड दैट प्रोग्रामिंग शुड बी टॉट डायरेक्टली ऑन मोबाइल डिवाइस। अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि अगर मोबाइल वगैरह की डिमांड्स हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोबाइल पे पढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। डायरेक्टली अगर हम मोबाइल पे लेकर जाएंगे तो डैट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट, डैट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू टीच दीज स्किल्स, ठीक है। आप लोअर लेवल से जाएंगे तो हाई लेवल पे जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं इट हैज़ बीन कंक्लूड फॉर लिटरेचर रिव्यू स्टूडेंट ने कंक्लूड किया है कि डैट रिसर्च हैज़ नॉट एनालाइज करंटली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द एप्टनेस फॉर इंटरेक्टिव प्रोग्राम, के जो डिफरेंट जो रिसर्च हैं उनने कोई अभी करंटली कोई इस तरह की एनालाइजेशन नहीं की कि कोई भी जो हमें इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ाना चाहिए, जो हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके चल रही हैं, क्लियर। अच्छा, आगे है साइटेशन फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन किस तरह हमने करना है, ये सारी किस तरह है वो देखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ कंपैरिजन, क्राइटेरिया क्या है। द क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर साइंस टीचर्स। अब डिफरेंट टीचर्स से उन्होंने रिस्पॉन्स लिया, परफॉर्मा फिल करवाया या डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज स्किल्स की बेस पे, अगर एक टीचर है वो जावा पढ़ा रहा है, दूसरा सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, एक सी शार्प पढ़ा रहा है, ठीक है, एक GW बेसिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, उन टीचर्स से डिफरेंट से उन्होंने परफॉर्मा फिल करवाया, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करवाया या उनका जो भी रिस्पॉन्स लिया, वी मेनली अडोप्ट द क्राइटेरिया प्रोवाइड। वो कह रहे हैं कि जो ये रेफरेंस नंबर होते हैं, अब क्राइटेरिया किस तरह होने के, सिंप्लिसिटी, कितनी कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा सिंपल है, राइटेबिलिटी, किसको लिखना सबसे अंडरस्टैंडेबल है और लिखना ईजी है, रिलायबिलिटी, कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा रिलायबल है, अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर जिसमें अप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा हो, ठीक है, अवेलेबिलिटी, कोर्स टू स्टूडेंट्स, मार्केट डिमांड क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन लिमिटेशन जिसको फुलफिल फ्लैज कर रही हूँ, एक्सटेंशन या लाइब्रेरीज अवेलेबल हो, उसकी लाइब्रेरी भी ज़रूरी होती हैं, कवरेज, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम वन बाय वन देखते हैं। क्या सिंप्लिसिटी, इन ऑर्डर टू टॉट एज अ इंट्रोडक्टरी लेवल कोर्स अ लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। ओवरली आप देखें कि अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है, उसको हम पहले ही हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दें, इतनी डिफ़िकल्ट कि उसको सेंटेक्स तक ना याद रहे, तो वो उसके लिए समझना, उसके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो पहले ही सेमेस्टर में थोड़ा परेशान हो जाएगा और उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो ये जो है हमें वो वाली सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि सिंपल हो और हमारी नेचुरल लैंग्वेज के बहुत क्लोज हो। लैंग्वेज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज इज रीडेबल एंड ईजियर टू अंडरस्टूड बाय नोविस यूजर, कि जो हम ऐसी लैंग्वेज कि जो हम डेली लाइफ में अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसको समझना, उसको देखना, उसको उस जैसी हो ताकि उसको रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो, क्लियर।
सेकेंड है राइटेबिलिटी. अ लैंग्वेज शुड बी प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड ए पी आई टू बी यूजफुल फॉर जनरल पर्पज एज वेल एज अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग टास्क. अब कुछ लैंग्वेज होते हैं जिसमें लाइब्रेरीज होती हैं, ए पी आईज होती हैं, ठीक है. तो वो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए जो कम्प्रीहेंसिव हो, जिसमें ईजीली हम राइट कर सकें, ठीक है. अब ये नहीं है कि कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जिसमें हमें तीन तीन फाइल्स में लिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उन फाइल्स का आपस में लाइब्रेरीज शेयर करनी पड़ती हैं. तो वो जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, ठीक है. अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लिनक्स पे करते हैं. लिनक्स इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो मेरे कहते हैं सॉफ्टवेयर है. अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना तो एटलीस्ट कोई आम जो है ना इंसान या इजीली वो उसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकता. अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे, उसको लिनक्स इंस्टॉल करवाने बैठ जाएंगे और लिनक्स पे प्रोग्रामिंग, तो वो तो अगले दिन आएगा ही नहीं, वो तो डिग्री छोड़ देगा. इस वजह से हमें वो वाइज स्टार्टिंग में पढ़ाने चाहिए जो हमारे लिए ईजी हो, जिसको राइट करना हमारे लिए ईजी हो, उसकी कंप्रीहेंसिव सेट ऑफ ए पी आईज वगैरह हो, ठीक है. रिलायबिलिटी में वो कह रहा है कि अ लैंग्वेज शुड हैव गुड रिलायबिलिटी, कि जो लैंग्वेज है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. इन पर्टिकल स्पोर्ट्स फॉर पॉइंटर यूनियन एंड एनालाइजिंग ई टी सी शुड बी डिस्करेज. एडिशनली स्पोर्ट फॉर एसर्शन डिफरेंट एरर्स आ रहे हों उसमें, जितने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग केसेस हों वो सारे जो हैं उनको हैंडल करना ईजी हो, रिलायबल हों और वो उसके क्रैश करने के चांसेस कम हो. जब भी आप प्रोग्रामिंग करें उसके क्रैश करने के चांसेस, वरना फर्स्ट मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनको अगर क्रैश कर जाएगा तो वो उनके लिए हैंडल करना उन एरर्स को बहुत प्रॉब्लम करेगा, ठीक है. आगे अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर. अ लैंग्वेज शुड हैव सपोर्ट फॉर वैरायटी ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड ऑल्सो हैव द प्रिविजन ऑफ कंस्ट्रक्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स बहुत ही सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए, जिसकी समझ हो स्टूडेंट्स को, जिसको वो यूज़ कर रहे हों उनको उनको पता हो कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं या किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, उनकी उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है. डाटा स्ट्रक्चर हमें इस तरह का ही प्रिमिटिव सेलेक्ट करना चाहिए. अवेलेबिलिटी कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट, कॉस्ट टू स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म शुड बी लो, कि जो कॉस्ट है जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लो होने चाहिए, हर स्टूडेंट उसको अवेल कर सकता हो, ठीक है, हर स्टूडेंट उसको ईजिली यूटिलाइज कर सकता हो. आइडियल डेवलपमेंट टूल्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट शुड बी फ्रीली अवेलेबल एज ओपन सोर्स टूल, कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट ये चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट. अब ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर खरीदना शुरू कर दें, तो हर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट्स कर ही नहीं सकते. तो मैं वो टूल्स यूज़ करने चाहिए जो कि उनको ईजिली अवेलेबल हों, जिनकी आई पी सेलेक्ट वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो भी, जो सारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेलेक्ट कर सकें, ठीक है. उनकी जितनी भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर उसका सेट है या उसका एक्सिफाइज है जो उसका पूरा सेटअप है उसको वो गेट कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी अवेलेबिलिटी उसमें हो. अच्छा आगे है मार्केट डिमांड. इट इज़ रिकमेंडेड डेट लैंग्वेज बींग टॉट टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड हैव हाई डिमांड इन मार्केट, कि हमें वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, बच्चों को वो पढ़ानी चाहिए जो आगे मार्केट डिमांड भी हो. अब ये नहीं है कि हम उनको ऐसी लैंग्वेज पढ़ा दें सिर्फ वो लैंग्वेज पढ़ें, जब वो आगे मार्केट में जाएँ तो उनको वो वहाँ पर कोई पूछे ही ना, उनको जॉब भी ना अवेलेबल हो, वो जॉब उनको जॉब मिले ही ना. तो इस वजह से ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं हमें वो चीज़ मार्केट को साथ रखना चाहिए, कि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी आजकल मतलब जॉब्स की वो सर्चिंग है, उस चीज़ को हम लेकर चलें, उस चीज़ के लिए हम उनको हाई रैंक पर रखें. देयर शुड बी अप्रोप्रिएट जॉब अवेलेबल फॉर डिवेलपर, ताकि डिवेलपर जो हैं वो जॉब्स के लिए अप्रोप्रिएट जॉब के लिए अप्लाई करें और उनको आगे अपने इस स्टडी को आगे फर्दर गो थ्रू करें. आगे है कम्युनिटी सपोर्ट. द लैंग्वेज शुड हैव डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट एंड डेवलपर फोरम वाइडली अवेलेबल, कि जब भी कोई हमें ऐसा सिस्टम उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हो, हमें ऐसी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन
मौजूद हो ताकि ट्यूटोरियल वगैरह हेल्प के लिए स्टूडेंट, हर चीज़ टीचर नहीं बता सकते, हर चीज़ टीचर से हेल्प नहीं ली जा सकती। तो इस वजह से वो क्या करें कि इन चीज़ों को ट्यूटोरियल से, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन से, डिफरेंट कम्युनिटी सपोर्ट से डेवलप कर सकें और उनको अवेलेबल हों ताकि वो ईजीली इन चीज़ों को आगे लेकर चलें। ठीक है, आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लिमिटेशंस OS, यानी द लैंग्वेज शुड हैव मिनिमम प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट। तो जो लैंग्वेज है उसमें कम से कम प्लेटफॉर्म जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इन पर्टिकुलर इट शुड बी ईजीली एबल टू रन और कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हाँ जो ईजीली ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर वो रन कर सकें, उसको परफॉर्मेबल हो सकें। क्लियर। आगे है एक्सटेंशन, लाइब्रेरीज़ अवेलेबल, कि एक्सटेंशन कौन कौन सी होनी चाहिए अवेलेबल। लाइब्रेरीज जो हैं डिफरेंट, द लैंग्वेज शुड हैव एक्सटेंशन अवेलेबल इन अबंडेंस फॉर स्पेसिफिक टास्क, कि हर के लिए लिंक्स क्रिएट होते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं या जिनको हम ऐड करते हैं, जिनको हम इंक्लूड करते हैं, उनको इंक्लूड करने के बाद वो स्पेसिफिक जो है फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ सम का करना हो, मैथमेटिकल को करना हो, या हमने इनपुट का करना हो, या हमने आउटपुट का या प्रिंट का करना हो, उसके लिए हम स्पेसिफिक लाइब्रेरीज या एक्सटेंशन लगाते हैं। तो वो वाली एक्सटेंशंस होनी चाहिए उन लैंग्वेजेस में जो कि ईजीली अवेलेबल हों और वो ईजिली इन टास्क को, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकें। जैसे कुछ ड्राइवर्स हैं, ठीक है, अब जैसे कि USB का ड्राइवर अगर हमारे पास इंस्टॉल ना हो तो हम लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे USB लगाते नहीं तो वो USB को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इसका ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये डिफरेंट ड्राइवर्स करना ज़रूरी है ताकि इन ड्राइवर की एक्सटेंशन को, जिसको कहते हैं लाइब्रेरीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो फिर वो इसको डिटेक्ट करता है। क्लियर। तो आगे वो कह रहे हैं कि अवेलेबल इन अबंडेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क सच एज ड्राइवर फॉर हार्डवेयर इंटरफेसिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, APIs, पार्सर, GUI लाइब्रेरी, जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरीज होती हैं, APIs की, पार्सर्स की, डेटाबेस कनेक्टिविटी की, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, अब ऐसे ही डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो जाती, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, और हार्डवेयर इंटरफेस, इन सब के लिए जो है डिफरेंट हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। आगे है कवरेज, द लैंग्वेज शुड हैव सफिशेंट कवरेज टू बी यूजफुल टू टीच कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट, कि जो लैंग्वेज है कि वो इतना यूजफुल कवर हो उसमें सारा सिलेबस, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन कवर हो सके सफिशेंट कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट्स हों। जैसे कि उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाएं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP, ऐसी उसमें OOP पढ़ाएं, OOP के बगैर तो आपकी ये डिग्री ही किसी काम की नहीं है। जहाँ पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे सबसे पहले आपको OOP के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, जैसे वो कंप्यूटर साइंस का है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, IOs, मोबाइल कंप्यूटिंग, डेटाबेस, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे आपने कोर्स पढ़ा सिस्टम लेवल, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर का, और सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग, जैसे लोअर लैंग्वेज है जिसमें हम कोल पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जिसमें हम ये एम्बेडेड सिस्टम पढ़ते हैं, ये सारी कंप्यूटर साइंस की हैं, हार्डवेयर लेवल की हैं। ठीक है, शायद आपने IIT के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये नहीं पढ़ी होंगी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ज़रूरी हैं। सो इन क्राइटेरिया, इन बेसिक पे स्टेट पे हमने क्राइटेरिया करना होता है डिफरेंट, जैसे हमने डिफरेंट लैंग्वेज सेलेक्ट किया C++, C#, तो हमने उनमें देखना है कि इनमें सिंप्लिसिटी किसकी है, इसमें राइटेबिलिटी अच्छी किसकी है, इसमें रिलायबिलिटी किसकी अच्छी है, इसमें अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर किसमें अच्छा यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसमें अवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है जो स्टूडेंट्स को ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट डिमांड इनमें किसकी है, कम्युनिटी सपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, मशीन लैंग्वेज की, मशीन की लिमिटेशंस किसमें अच्छी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका अच्छा है, इसमें लाइब्रेरीज जो हैं वो अवेलेबल किसकी हैं, कवरेज किस किस को कर रहा है सारे, तो इन सारी चीज़ों पे हम इनको रैंक करेंगे, रैंकिंग करके जिसकी हाईएस्ट रैंकिंग होगी, जो हाईएस्ट पॉइंट्स लेगा वही हमारी जो है अच्छी लैंग्वेज होगी जो हम के हम लेकर चलेंगे, कि जो हम अपनी इंट्रोडक्टरी स्टूडेंट जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनको पढ़ाएंगे। क्लियर। आगे कंपैरिजन ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उन्होंने कंपैरिजन किया गया है,
ठीक है, डिफरेंट उन चीज़ों पे। और यही इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी यही चीज़ें, लेकिन हम इनमें कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग के थ्रू कि किस तरह कंपैरिजन किया गया, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी इस क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।